हेलो नमस्ते प्रणाम और पहलाग आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको हेमिस फेस्टिवल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आज भी अपनी संस्कृति से एकदम जड़ता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसे बहुत से फेस्टिवल होते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध जो फेस्टिवल होता है वो है हेमिस फेस्टिवल, जो कि हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, जो कि लेह से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमिस मोनेस्ट्री के परिसर में ही हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार पांचवें महीने में मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। जो हेमिस फेस्टिवल है ना, वो 8वीं सदी के भारतीय गुरु पद्मसंभवा और गुरु रिंगपोचे की सालगिरह है, जो कि पूरे हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए जिन्हें जाना जाता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि ईसाई धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी जो हैं वो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं। हेमिस फेस्टिवल की शुरुआत जो लंबे लंबी दोहरियाँ होती हैं उन्हें बजाकर की जाती है, और जो लंबे ढोल होते हैं उन्हें बजाकर भी की जाती है। जो हेमिस फेस्टिवल होता है ना, इसके दौरान एक यहाँ पे रहस्यमयी खेल खेला जाता है, जिसे कि मास्क डांस बोले तो मुखौटा नाच से भी जिसे जाना जाता है। इस खेल में भाग लेने वाले जितने भी सभी नृत्यकार और संगीतकार होते हैं वे सभी लामा होते हैं, जो कि ढोल व तोहरियों को बजाते हैं। तो मुखौटा जो नृत्य होता है उसका सिर्फ एक ही संदेश होता है, जो कि है बुराई पर अच्छाई की विजय। बहुत दूर दूर से लोग हेमिस फेस्टिवल का जो मुखौटा नृत्य होता है उसे देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई होती है सिर्फ ये मुखौटा डांस देखने के लिए। Yeah.
तो बारिश में भी पूरा प्रोग्राम चल ही रहा है। देखो